गरीबी, जिंदगी और मौत से जूझ रहे युवक का आखिरकार आज अहले सुबह निधन हो गया। बताया जाता है बेंगाबाद के हरिजन टोला स्थित किसुन दास के 20 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र दास लगभग महीनों से बीमार था, जिसका इलाज रांची रिम्स में चल रहा था। इधर बताया जाता है आज अहले सुबह रांची इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर जब सब गांव पहुंचा तो परिजनों का रो रो के बुरा हाल था। बताया जाता है किसुन दास एक नहायत गरीब परिवार में से है। उन्हीं का पुत्र सुरेंद्र दास था, जो किसी तरह करके जीविकापार्जन घर में चला रहा था, लेकिन उसके मौत हो जाने से पूरे परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे मदद किया जाएगा, हालांकि अब तक मदद के लिए कोई पहुंचा नहीं है। इस घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग मातमी माहौल में हैं। वहीं लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व विभाग से मदद की गुहार भी लगाई है। बताया जाता है कि उक्त युवक के पीड़ित परिवार के पास अंतिम संस्कार व श्राद्ध कर्म करने तक के भी खर्च नहीं है। बेंगाबाद से जगन्नाथ। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहाँ रिम्स? रिम्स ले गए थे इसको? हाँ, ले गए। उसको इंजेक्शन भी दिया, एडमिट किया, लेकिन डॉक्टर बोल दिया कि मतलब बहुत लास्ट में आई है। धीरे धीरे मेरे सुरेंद्र आँख बंद करने लगा, बोले आँख खोलो भाई, तुम्हारा बिना नहीं। बीमारी कौन सी था? कोई बीमारी पता चला? कुछ नहीं बताया, डॉक्टर बोला कि बस तो फेफड़ा में पानी भर गया। क्या को भाई आपका? दो भाई। ये बड़ा भाई था? हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई मुझे छोड़ा। जी बताएंगे, ये जो गरीब युवक का जो मौत हो गया है, परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो बहुत बड़ी दुखद घटना है और दुखद पहाड़ टूट गया है। ये उनके पिताजी जो हैं किसुन दास, कोरोना काल के पिताजी पहले से ही ये विकलांग हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मैंने दयनीय है। और अभी तक लाश आया है, आंगन में रखा हुआ, रो रो के सबका बुरा हाल है। हम लोग ऊपर वाला से प्रार्थना करते हैं कि इसको सहन शक्ति दे और इनका जो भी काम है, जहाँ तक मदद का भरोसा हम लोग का, हम लोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और जो हमारे बेंगाबाद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो सबको मदद करना चाहिए और इस दुख के घड़ी में सबको साथ आकर के देना चाहिए। जी नमस्कार, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूले। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो।